वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तानी को पे। फिर से आज लेकर के आया हूँ आप लोग को मैं डोमिनिकन रिपब्लिक एक आइलैंड पे। आइलैंड का नाम है एम्बर कॉप। सो ये स्पेशली क्रूज शिप के लिए बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। सो यहाँ की टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों पहली बार जो भी देख रहा है मेरे चैनल को, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल तानी को विजिट कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पीछे देख रहे हैं आपको एम्बर कॉप दिखा है, आयरन का नाम है। सो फिर मिलेंगे आप लोग को, चलो वीडियो के अंदर जाते हैं अभी। चलिए, क्या बात है यार दोस्तों, फाइनली नॉर्थ अमेरिका का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, उसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं वीडियो के पहले ही। और ये रहा, अभी आप लोग को लेकर के जा रहा हूँ मैं एक छोटा सा एक आइलैंड पे, वो भी प्राइवेट आइलैंड है, स्पेशली क्रूज शिप के लिए डिजाइन किया हुआ है यहाँ पे। और आइलैंड का नाम है, ओ माय गॉड, एम्बर कॉप। क्या बात है यार दोस्तों, चलो चलो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी चीज कर सकता हूँ हम लोग, जैसे कि आपको क्या बोलूँ मैं, अभी यहाँ पे स्विमिंग पूल है और यहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं आप, बोट चला सकते हैं और ऊपर से आप यहाँ पे जिप लाइन कर सकते हैं। चलिए वेल दोस्तों, आज ये जो एम्बर कॉप आइलैंड है, जो प्राइवेट आइलैंड है, उसको आपको दिखाएंगे। सीधा देखो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा निकलने का। ये है पोर्ट साइड, मतलब यहीं पे, मतलब जितना भी क्या बोलते हैं शॉप है वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ से बहुत सारे ड्यूटी फ्री शॉप भी है, आप सामान ले सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे एक देखो, ये ऑटो रिक्शा के जैसा है, ये साइकिलिंग मतलब हम लोग रिक्शा बोलते हैं इंडिया में, तो उसमें आप यू नो एक दो डॉलर देके जा सकते हैं, लोग दिन भर रहता है ऐसा। और ये रहा दोस्तों आपका पसंदीदा, जो भी लेना है आप खरीद सकते हैं यहाँ से। ये से सीधा निकालना है, ये बहुत इजी है, मतलब इजी एक्सेस है प्राइवेट आइलैंड आइलैंड तक जाने के लिए, मतलब पूरा घूमने के लिए इजी एक्सेस है। मैं सीधा निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके दोस्तों, मैं फ्रेंड्स पोलिनेशिया में जितना भी वीडियो बनाया वो तो आप लोग देखा होगा, तो अभी आज मैं आप लोग को लेकर के आया हूँ ये एम्बर कॉप में। ये देखिए, ये पूरा खुला एरिया है और यहाँ से मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग ये करने वाला हूँ, मैं एक्टिविटीज करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि आपको पहले बोला था मैंने जीप लाइन, तो जीप लाइन के लिए मैं जा रहा हूँ अभी ढूंढने के लिए। आई मीन ऑफकोर्स मैंने सुना था, मैंने राइट साइड में है, मैं राइट साइड में चले जाएंगे अभी, राइट साइड से निकल जाएंगे, ऐसे सीधा निकल जाएंगे अभी। वेल दोस्तों, अभी मैं नॉर्थ अमेरिका पे हूँ, तभी अलग जगह पे था, नॉर्थ अमेरिका में था लेकिन फिर भी अलग कंट्री में था। तो ये अभी डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री है, तो आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका का कंट्री लिस्ट में है। और दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको, जोरासिक पार्क मूवी है ना, 1993 में जो बनाया था, पुराना, सबसे पुराना, यहीं पे शूटिंग हुआ था। और ऊपर से क्या बात है वालों में, यहाँ पे उनका जो डायनासोर्स का रियल डीएनए ये मिला है उनको, साइंटिस्ट को मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है यहाँ पे। सो ये रोड है, ये रोड से सीधा निकलते हैं मैं कहाँ पे, जिप लाइन करने के लिए, आप लोग को दिखाएंगे। वैसे मैं जिप लाइन मतलब कैसे करते हैं पहली बार कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, और डर भी लग रहा है मुझे, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, ये स्टेयर से निकलता है, मतलब ये स्टेप से निकलता है, बहुत स्टेप चलना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। और दोस्तों ये नेशनल पार्क है, पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ, डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री का। और ये जो एम्बर कॉप है इसमें ही है, और यहाँ से ऊपर जाके ऊपर है अपना जिप लाइन के स्टेशन। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहली बार मैं आप लोग को एक नया सा करके दिखाने वाला हूँ जिप लाइन, आज नया ट्राई करते हैं आप लोग के सामने। और हम अभी डिस्काउंट भी है, मुझे $14 पे करना है, $14 मतलब आपको कम से कम 900 करीब हो जाएगा। जाते हैं अभी, यहाँ से बहुत गर्मी है यार, अनलिमिटेड जिप लाइन आप जितना बार करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है इसका सेफ्टी रूल्स भी है यहाँ पे, लेकिन पहले मेरे को लाइन पे खड़ा रुकना पड़ेगा। ये देख लो बोल दोस्तों, अभी एक प्रॉब्लम हो गया, मैं सोचा था मोबाइल लेके जा सकता हूँ, पर मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है ये लोग बोल रहे हैं, और छोटा बैग भी लेके जा नहीं सकता। मेरा यहाँ पे आने का मकसद था मेरे को वीडियो निकालने का, अभी पता नहीं, और फिर भी देखते हैं अभी, और छुपा के लेके जा सकता है तो अच्छा है, या तो मैं यू नो बात करके कुछ कर सकता है तो अच्छा है। अब पता नहीं, गियर रेडी है, जंप करने को मिलता है कि नहीं अभी मोबाइल लेके, देखते हैं फिर भी।
सब रेडी है, ड्रेसअप हो गया, चलो निकलते हैं। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक जाने के हैं, नीचे तक, ये नहीं देख रहा है, ऐसे जाने के हैं। मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है अभी, फिर भी सो देख रहे हैं दोस्तों। ये अभी जो कैसे जाएगा, देखो बच्चे को अभी देखो, 36 किलो का ना मिनिमम, सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम 120 किलो का है, मैक्सिमम 120 किलो कम है क्या? वाओ, इतना वेट ले सकता है ये। और यहाँ पे सब उनका सेफ्टी रूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहा है। ऐसा ही मुझे भी निकलना है अभी, जिप लाइन पे जाना है मुझे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मोबाइल वाला नहीं, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या कर सकता हूँ मैं खुद को। ये देखो दोस्तों, ये अनलिमिटेड है एक्चुअली, पर मेरे को एक ही बार जाना था क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करने को नहीं मिलता है ना इसके लिए। नेक्स्ट टाइम फिर दिखाएंगे आप लोग को मैं GoPro के साथ दिखाने की वीडियो में, GoPro ये करके, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकता। ये देखिए ऐसे ऐसे आए थे मैं, जब यहाँ पे ब्रेक है यहाँ पे, इसमें थोड़ा डर लगता है क्योंकि हटक जाता है ना इसके लिए, वहाँ से डायरेक्ट आता है तो इसके लिए। ये देखो ब्रेक यही रुका देता है। ये प्राइवेट वाले ने तो इसके लिए मतलब यही सब है, आप स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल पे आप एंजॉय कर सकते हैं दिन भर, बढ़िया है। मजा के आया ऐसा ही, बढ़िया है दोस्तों। ये प्राइवेट आइलैंड एक्चुअली, देखो ये जितना भी लोग है ना, सब क्रूज शिप का ही है, इतना लोग है यहाँ पे एंजॉय कर रहा है सब लोग, क्रूज शिप का ही है, दिन भर एंजॉय कर सकते हैं। मैं और एक बार नहीं जाना है मुझे, जाके थोड़ा घूम के देखना है, तो इसके लिए मैं सोचा कि मैं you know, ऐसा ही थोड़ा घूम के जाएंगे यहाँ पे। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप बताइएगा मुझे, ये करके कमेंट करके। पूरा म्यूजिक चल रहा है तो अच्छा लगा, $14 में एंजॉय किया थोड़ा, हमारे लिए डिस्काउंट है थोड़ा, इसके लिए अच्छा है। एरिया दिखाता हूँ आपको जाके, चलो अभी शॉपिंग एरिया में देखे घूम के आते हैं। देखो जीप लाइन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत बढ़िया सा एक वीडियो बनाने का था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं खाली आदमी नीचे चला गया, वो लोग मोबाइल अलाउ नहीं करते, मैंने रिक्वेस्ट भी किया पर अलाउ नहीं करते, और अनकम्फर्टेबल होता है मोबाइल पकड़ने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं GoPro के साथ बनाएंगी, मैं यही सोच रहा हूँ मैं। ये पूरा शॉपिंग एरिया है, मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना है। पता नहीं अभी है कि नहीं यहाँ पे, देखते हैं। बहुत बढ़िया आइलैंड है यार, प्राइवेट आइलैंड इसीलिए थे, इतना खूबसूरत है। लेकिन बहुत गर्मी है यार, काफी गर्मी है, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, कोशिश करेंगे यहाँ पे जाके, आगे जाके देखता हूँ मैं। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है यार, पीछे की तरफ तो बहुत अच्छा है, तो रेस्टोरेंट है। अच्छा यार, वहां पे तो गया नहीं मैं, स्विमिंग कर सकता है, स्नॉकलिंग कर सकता है यहाँ पे, पर अभी अभी तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आऊँगे फिर तो करोगे, जरूर करूँगे यहाँ पे। नेचुरल वाटरफॉल देखते हैं यहाँ पे,
ओ तो बहुत सारा मच्छी है, लेकिन ये साफ नहीं है पानी, तो ये पूरा पानी गंदा जैसा लग रहा है, लेकिन मच्छी बहुत है। ये देखो कितना मच्छी है, लेकिन पानी का हालत तो खराब है, पता नहीं कैसे जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मच्छी लोग मर रहे हैं ना। दोस्तों अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ 25 मिलियन से लेके 40 मिलियन पुराने एक लिजर्ड दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये जो पत्थर के अंदर है ना, ये मतलब कितना एज है उसका पता है, कितना पुराना है, 25 मिलियन से लेके 40 मिलियन पुराना है। ये जो लिजर्ड का आप दिख रहे हैं, ये देखिए यही था। मान गया दोस्तों, मान गया मैं, इतना पुराना लिजर्ड का अभी भी मेमोरी है यहाँ पे, क्या बात है यार। ये कोई नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, बनाया हुआ है। वेल दोस्तों आज का जो ये जो डोमिनिकन रिपब्लिक का आइलैंड, जो प्राइवेट आइलैंड है, उसका जो ट्रैवलिंग था और मैंने जिप लाइन कैसे करते हैं वो भी दिखाया मैंने आपको, पर कंप्लीट दिखा नहीं पाया इसके लिए सॉरी, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है इसके लिए, क्योंकि बहुत रिस्की है। सो आज का जो ये ट्रैवलिंग वीडियो था, ब्यूटीफुल आइलैंड, सो इतना ही है। तो आज फिर से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपको दूसरे आइलैंड के साथ या दूसरे वीडियो के साथ। सो मिलते हैं फिर, चलो बाय बाय फॉर नाउ, मिसिंग रहेगा मेरे भाई।